अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है, अब भारत नेतृत्व करता है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का नया कंसेप्ट दुनिया को दिया है। डीपीआई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है, ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। भारत का यूपीआई आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। आपकी जेब में वॉलेट है, लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फोन में वॉलेट है, ई वॉलेट है। अनेक भारतीय अब अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते, उनके पास डिजी लॉकर है। वो एयरपोर्ट में जाते हैं तो डिजी यात्रा से सीमलेस ट्रैवल करते हैं। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स, इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग पैड बन गया है। साथियों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, और ये मोदी की गारंटी है।